हेलो भाई, वंगित मारुति सुजुकी ब्रेजा भाई इतिहास रचने पे लगी हुई है, क्योंकि भाई अभी तक 100 मीटर एसयूवी सेगमेंट में कोई भी ऐसा कार नहीं है जो 20,000 के अबव बिका हो आज तक। लेकिन ब्रेजा अब बिकने वाली है भाई, 20,000 के अबव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन फाइनली 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में जानेंगे, अगस्त महीने की, पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेज भी जानेंगे और उनमें कौन कौन सा इंजन ऑप्शन मिलता है ये भी जानेंगे। इसलिए भाई वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आओ फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी हाँ, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि एक लाइक की वजह से बहुत ही हमारा फायदा होता है। तो आप फटाफट शुरू करते हैं भाई। 10वें नंबर पे आई है टाटा की नेक्सॉन। ये भाई बिकी है 12,289 यूनिट अगस्त में, जबकि जुलाई में 13,902 यूनिट बिकी थी। मतलब 1613 गाड़ियाँ कम बिकी है टाटा नेक्सॉन की, 1613 गाड़ियाँ। ये भाई 9,38,000 रुपये से शुरू होकर मोटा मोटी 18,86,000 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड नॉर्मल वाली। अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लेते हो तो वो इतने से मिलना शुरू होती है, उसमें इतना रेंज मिल जाता है। बाकी नॉर्मल वाले में आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ देखने को मिल जाता है। नेक्सॉन नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है भाई, बहुत ही अच्छी। लेकिन आज के डेट में भाई इतने प्राइस पॉइंट में आपको एक से एक गाड़ी मिलने लगा है, बड़ा बड़ा गाड़ी। इसीलिए थोड़ा सा नेक्सॉन दबी हुई है आज के डेट में, नहीं तो उधर बीच भाई ये नंबर वन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हुआ करती थी टाटा की। खैर, 9वें नंबर पे मारुति की फ्रॉन्क्स, या फिर कह सकते हो बलिनो की जानी दुश्मन। इसकी भाई 12,387 यूनिट बिकी है अगस्त में, जबकि जुलाई में 10,925 यूनिट बिकी थी। मतलब 1462 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है फ्रॉन्क्स की। ये भाई 8,82,000 रुपये शुरू होकर 15,23,000 रुपये तक मिल जाती है आपको। मारुति वालों ने पता नहीं भाई कौन सा नशा करके फ्रॉन्क्स को बना दिया, अपने ही पैर पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया भाई। अब लोग बाग बलिनों को उतना ले ही नहीं रहे, फ्रॉन्क्स ही को ले रहे हैं भाई, क्योंकि जब बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, बेटर स्पेस मिल रहा है उतने ही पैसे में, तो हम क्यों ही छोटा गाड़ी लें। सेम वही सीन है भाई सबके साथ है। खैर, फ्रॉन्क्स आपको 8,82,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 15,23,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी हाँ, 8वें नंबर पे बलिनो 12,485 यूनिट बिकी इसकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 9,309 यूनिट बिकी थी। मतलब 3176 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है बलिनो की। वाह भाई वाह। ये 7,77,000 रुपये शुरू होकर 11,50,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक मिलता है। बाकी 7वें नंबर पे स्विफ्ट, इसकी भाई 12,844 यूनिट ही बिकी अगस्त में, ओनली 12,844 यूनिट, जबकि जुलाई में 16,854 यूनिट बिकी थी। मतलब 4,010 गाड़ियों का गिरावट हुआ है स्विफ्ट के सेल्स में, 4,010 गाड़ियाँ। बाप रे बाप रे, लगता है इस महीने लोग बाग स्विफ्ट को छोड़ के ब्रेजा को खरीद लिए हैं। ये भाई 7,58,000 रुपये शुरू होकर 11,23,000 रुपये तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, CNG तो नहीं मिलता अभी तक, लेकिन अब पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ, ऑटोमेटिक के साथ भी। बाकी 6ठे नंबर पर स्कॉर्पियो सीरीज, यहाँ पे अपने को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों कंबाइन 13,787 यूनिट बिकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 12,237 यूनिट बिकी थी। मतलब 1550 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है स्कॉर्पियो सीरीज की, 1550 गाड़ियाँ। अभी स्कॉर्पियो भाई 16,17,000 रुपये शुरू होकर 20,96,000 रुपये तक आपको मिल जाती है ऑन रोड नॉर्मल वाले। अगर आप एन लेना चाहते हो तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव आती है भाई। बाकी हाँ, स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको डीजल इंजन मिलता है मैनुअल के साथ है, एन लोगे तब पेट्रोल डीजल मिलता है, मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। बाकी 5वें नंबर पे पंच, इसकी भाई 15,643 यूनिट बिकी है अगस्त में, जबकि जुलाई में 16,121 यूनिट बिकी थी। मतलब 478 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने पंच की 478 गाड़ियाँ। ये भाई 7,17,000 रुपये शुरू होकर 12,03,000 रुपये तक आपको मिल जाती है पंच नॉर्मल वाली। इलेक्ट्रिक लोगे तो वो थोड़ी महंगी मिलती है, हालांकि नॉर्मल वाली में आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है, इलेक्ट्रिक वाले में आपको इतना रेंज मिलता है। बाकी 4थे नंबर पर सुजुकी की वैगनार, बक्सा जैसी दिखने वाली कार। इसकी भाई 16,450 यूनिट बिकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 16,191 यूनिट बिके थे। मतलब 259 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी आपकी वैगनार की, 259 गाड़ियाँ। ये 6,45,000 रुपये शुरू होकर 8,66,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। वैगनार भाई देखने में भले ही अजीब सी है, लेकिन इसमें स्पेस सेगमेंट में सबसे बेस्ट मिलता है। इसमें 5 जने आराम से बैठ के लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, इतनी अच्छी गाड़ी है। इसीलिए तो लोग बाग इसके पीछे पागल हुए पड़े रहते हैं भाई। बाकी यहाँ 3रे नंबर पे हुंडई की क्रेटा, इसकी भाई 16,762 यूनिट बिकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 17,350 यूनिट बिकी थी। मतलब 588 गाड़ियाँ कम बिकी आपकी क्रेटा की, 588 गाड़ियाँ। ये 12,95,000 रुपये शुरू होकर 23,97,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। क्रेटा को कोई बीट करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ भाई, कभी भी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि
क्रेटा भाई हर महीने इतना बिकी जा रही है, 16-17 हज़ार तो आम बात है। अभी दीपावली आ रहा है भाई, तो 20 हज़ार भी बिकेगी। खैर दूसरे नंबर पे अर्टिगा, ये आपकी मारुति की प्रोडक्ट है, एमपीबी है भाई। इसके 18,580 यूनिट बिकी अगस्त में, जबकि जुलाई में 15,701 यूनिट बिकी थी, मतलब 2879 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है अर्टिगा की। ये 10,19,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 15,30,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसके सीएनजी वाले मॉडल पे आपको एक एक साल का वेटिंग मिलता है भाई। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। अर्टिगा देखो नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है भाई, बहुत ही रिलायबल है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी कुछ नहीं मिलता भाई। अगर आप फैमिली के लिए इस गाड़ी को देख रहे हो तो एक बार आप किया की कैरेंस जरूर देख लेना भाई, क्योंकि माइलेज ही सब कुछ नहीं होता यार, ज़िंदगी भी कुछ होता है। खैर नंबर वन पे है भाई ब्रेजा, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र करा था। इसकी भाई 19,190 यूनिट बिकी है, बाप रे बाप, जबकि जुलाई में बिकी थी मात्र 14,676 यूनिट, मतलब 4514 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट हुआ है ब्रेजा के सेल्स में। 4514 गाड़ियों कुछ होता है भाई। अभी ब्रेजा 9,79,000 रुपये शुरू होकर 16,58,000 रुपये तक आपको मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज़ मिल जाता है। ये भाई मेरे लगता है आने वाले दिन में 20,000 के बब बिकेगी, क्योंकि भाई एक बाइक 4,000 का इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी बात होती है भाई। स्विफ्ट का भी हालत खराब हो गया, बलिनो का तो ठीक है, इवन फ्रॉन्क्स का भी ठीक है, लेकिन भाई ब्रेजा का हाल इतना ऊपर चला गया भाई, मैं तो देख के एकदम शौकी हो गया। आप क्या कह रहा है इस ब्रेजा के प्रति मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। जल्दी हम आपके लिए 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी का भी वीडियो लाएंगे। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद सभी को।